अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो ये मैं आपसे शेयर कर रही थी कि आज की मॉर्निंग देखें, माशाल्लाह काफ़ी ठंड भी थी और आज धुंध वगैरह भी थी काफ़ी ज़्यादा। ये काफ़ी दिन हो गए हैं आजकल ये सुबह बस ऐसी मौसम होता है, तो मैं आपसे शेयर कर रही थी। तो मैंने ये मॉर्निंग से स्टार्ट किया था व्लॉग, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह किया, कुछ करके काम किए, वो मैंने आज आपसे शेयर नहीं किया। तो फिर ये दोपहर में लंच बनाने का टाइम हो गया था, फिर मैं बना रही थी लंच में। आज करेले बन रहे थे, ये मैंने रात को ही काट के रख लिए थे, तो सुबह फिर ये है कि मुझे खाना बनाने में आसानी हो गई, जल्दी बन गया था खाना, क्योंकि फिर लंच में टाइम कम होता है। तो अगर सब्ज़ी वगैरह बनानी हो या कुछ इस तरह, तो अगर पहले थोड़ी बहुत रेडी करके रखी हो तो टाइम बच जाता है। उसके साथ जी मैंने रोटी भी बना ली थी, ये मैं आपको दिखा रही थी, इसकी मैंने खास वीडियो बनाई नहीं है कुछ, साथ ये बना के रखी है साथ, और खाना भी बन गया था। और इसके अलावा जी एग्स मंगवाए थे, वो मैं आपसे शेयर कर रही थी, ये मैं अभी सारे निकाल के फ्रिज में सेट करके रखूँगी। तो अभी मंगवाए हैं, इसी तरह हम इकट्ठे मंगवा लेते हैं, तो ये है कि फिर एक हफ़्ता आराम से निकल जाता है या इस तरह। तो क्योंकि एग्स वगैरह काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे घर में, और मैं मतलब सिर्फ मैं नहीं, सब भी तकरीबन बॉयल भी कर लेते हैं, और जिसका जिस तरह दिल हो उस तरह बना लेता है, कभी ऑमलेट, कभी सिंपल एग बना लिया ब्रेड के साथ खा लिया, और कभी एग्स सिर्फ बॉयल करके दे, इसी फॉर्म में हम लेते रहते हैं मिक्सी। तो अभी मैं इनको सबको निकाल के तो अच्छी तरह सेट करके तो फ्रिज में रख दूँगी। तो इसी तरह जी छोटे छोटे मोटे जो काम है घर के चलते रहते हैं। आजकल दिन भी इतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं दिन, तो बस इसी तरह जी पूरा दिन हमारी रूटीन होती है। अगर बंदा काम करने बैठे तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है घर के कामों में, और काम है जो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, एक काम ख़त्म करते हैं तो दूसरा रेडी होता है। तो मेरा ख्याल है सबके साथ ही ऐसे होता है, सिर्फ मेरे साथ ही, सबके जाहिर है ऐसे ही रूटीन होती है। हम लेडीज़ को तो बस इसी तरह अपने घर को मैनेज अगर करे बंदा सही अच्छी तरह चले, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है, और घर की अच्छी तरह देखभाल करनी पड़ती है। अगर घर पे तवज्जो ना दें तो बस फिर घर घर नहीं लगते। तो जी उसके बाद जी फिर थोड़ी बहुत रेस्ट की है, कुछ आधा घंटा आजकल बस ऐसे ही होता है, और फिर चाय वगैरह बनाई सबके लिए, वो पी ली, और अब जी होगी है डिनर की तैयारी। तो दिन काफ़ी छोटे हैं, तो बस इसी तरह पूरा दिन खाना पीने चलता रहता है, नाश्ता करते हैं, तो फिर लंच की तैयारी, लंच करने के बाद जी फिर डिनर की तैयारी शुरू हो जाती है। तो बस यही रूटीन है जी आजकल। तो यहाँ पे बन रहा था मटन, और हमारे घर में ज़्यादातर यही बनता है, क्योंकि मर्द हज़रात को ज़्यादा यही पसंद होता है। तो बस यही बन रहा था, मैं साथ धनिया काट के बना रही हूँ। मैंने इसकी रेसिपी आपसे पहले शेयर की हुई है, बस सिंपल तरीके से ही मैं बनाती हूँ, इतना कोई इसका तरीका कार है जो इतना मुश्किल नहीं है। बस सारा कुछ काट के डाल दिया, और जब प्रेशर दे लें 5-10 मिनट, तो उसके बाद फिर अच्छी तरह भून लें, और दोबारा मैं थोड़ा सा लहसुन और ऑयल डाल के भून लेती हूँ। उसके बाद जी जितना आपको शोरबा बनाना है उतना पानी डाल लें, और लास्ट में फिर हरा धनिया, और इसके साथ जी गरम मसाला आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा खाना हो गया था रेडी, और मैं अभी इसमें लास्ट पे धनिया डाल रही हूँ। पहले मैंने काट के रखा था, तो फिर थोड़ी बिजी थी, तो फिर मैं ये अब चूल्हे से उतार ली थी हांडी, और अब मैं बाद में इसमें डाल रही हूँ। वैसे मैं साथ पहले डाल देती हूँ, और 1-2 मिनट बॉयल कर लेती हूँ साथ। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हो गया था रेडी, और उसके साथ जी क्योंकि मुझे दूसरी रेसिपी भी साथ रिकॉर्ड करनी थी, तो इसलिए मेरे पास टाइम भी कम था, तो मैंने इसलिए जो खाना बनाया इसकी ज़्यादा रेसिपी शूट नहीं की। इसके अलावा जी फिर साथ बनाए थे हमने गुड़ वाले चावल, और इसकी मैंने पूरी रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, और ये हमारी ऑथेंटिक मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, वो इस तरह बनाती हैं, और आज उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, तो इसलिए मैं आपसे इसकी दोबारा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और बड़े अच्छे बने थे, और टेस्ट भी इनका बड़ा ज़बरदस्त था, सबको इतने अच्छे लगे थे, तो इसलिए मैं आपके साथ इसकी फुल रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ, और आप अगर इस तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये जी हमने गुड़ रख दिया था पानी में डाल के अच्छी तरह बॉयल होने के लिए, जब इसका शीरा बन गया था अच्छी तरह वो मिक्स हो गया, और उसे तकरीबन 5-10 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। तो फिर हमने इसको निकाल के साथ दूसरे बर्तन में निकाल लिया था, और बादाम हमने पहले भिगोए नहीं थे, तो इस वजह से हम अब इनको बॉयल कर लेंगे, और तकरीबन 1 मिनट जब इनका बॉयल आ जाए तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें, और फिर साइड पे रख दें, थोड़े से जब ठंडे हो जाएं तो इनका छिलका बड़ी आसानी से बड़े आराम से उतर जाता है, और अब हम इसका अच्छी तरह छिलका उतार लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, और इसमें हमने साथ डाले थे जी सफ़ेद तिल,
ये भी थे हमारे पास, तो हमने ये भी डाल दिए थे क्योंकि इनसे भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और आजकल काफ़ी ठंड थी और बारिश हो रही थी और इसलिए हमने ये बनाए। और मेरे जो दादा अब्बू हैं उनकी ये थी, वो थे कह रहे थे कि ये आज बनाएं, तो इस वजह से हमारे घर में ये बन रहे थे। उसके साथ जी खजूर थी, खजूर के हमने पहले सीड्स निकाली, इसकी बीज वगैरह जो निकाल लिए हैं, उसके बाद फिर अब इनको छोटा छोटा काट रहे हैं और छोटे छोटे पीस काट के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप जिस तरह भी डालना चाहे डाल सकते हैं, हमने तो इस तरह छोटा छोटा पहले इसके बीज निकाले हैं, फिर इसको थोड़े छोटे पीस में काट के दो रख लिया था। ये थी जी हमारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली थी। ये शीरा जो रेडी हो गया था, 1.5 किलो चावल थे, 1.5 किलो ही गुड़ था, आप तकरीबन 2 किलो भी ले सकते हैं अगर मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो। और जिसके साथ बादाम, किशमिश थी, सफ़ेद तिल थे, खजूर थी, तो जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें डाल सकते हैं, पिस्ता था, तो हमारे पास जो था हमने वो डाल दिया। तो अब राइस को रख दिया बॉयल करने के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। आप इसको बॉयल कर लें चावलों को पहले से, अगर इसको वो ये है कि थोड़ी जल्दी गल जाएंगे, पानी कम अब्जॉर्ब। तो ये जी थी किशमिश और बादाम, हमने इसका छिलका उतार लिया है, पिस्ता रख लिया है और खजूर को साफ करके रख लिया है। और उसके बाद थी सफ़ेद तिल, इनको वॉश करके रख लिया क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो इसको हमने इसलिए वॉश कर लिया था। और ये थी जी सौंफ और इसके मेथी दाना, अगर आप ये डालती हैं तो इससे चावल बड़े अच्छे बनते हैं और ये है बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, तो इस वजह से ये भी हम डालते हैं लाजमी। चावल जब गुड़ वाले चावल बनते हैं तो ये चीज़ें भी लाजमी डालती है मेरी मदर इन लॉ। और ये जी राइस हमने बॉयल कर लिए थे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, हमने बॉयल किए थे, ये दिखा रही थी कि बस इतने से बॉयल किए हैं। और इनको निकाल के रख लिया था, ये मेथी दाने को और सौंफ को थोड़ा सा बॉयल कर रहे हैं कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, तो 3-4 मिनट के लिए उसको भी बॉयल कर लिया था। तो इस तरफ जी हमने साथ डाल दिए थे देसी घी में हमने डाली थे बादाम, उनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और थोड़ा सा भूनते जाएंगे। हमने प्याज वगैरह नहीं डाला क्योंकि हमें ये इस तकरीबन आधा एक मिनट हमने फ्राई कर लिया था, हमने देसी घी डाला था। आप जो ऑयल भी डालना चाहें डाल सकते हैं, देसी घी तो वेल एंड गुड, वो डाल सकते हैं। उसके बाद जी पिस्ता, खजूर और ये जो सफ़ेद तिल है वो डाल दिए, उनको डाल के अब अच्छी तरह भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट भूनेंगे इनको, फिर इसमें डाल देंगे शीरा। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए थे इन्हें फ्राई करते हुए, जितने ड्राई फ्रूट मैंने आपको दिखाए वो डाल दिए थे ऑयल में। और उनको फ्राई करने के बाद अब इसमें जा रहा है जी शीरा जो हमने बना के रखा हुआ था, और आप ये डाल दें। और अगर फिर भी आपको पानी इसका कम लग रहा है तो आप इसके अलावा और सिंपल पानी, सादा पानी है जो, वो अपने राइस के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपके राइस ज़्यादा पानी लेते हैं या इस तरह तो गलने में टाइम लेगा, तो आप पानी इसके अलावा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि शीरा ही हो, आप इसके अलावा सादा पानी भी इसमें डाल के इनको बॉयल आने तक वेट करें। और जब बॉयल आ जाए तो इसमें अब हम राइस डाल देंगे। तो ये बॉयल हो गए थे, साथ में इनको भी छान के, मेथी दाने और सौंफ को भी हम छान के अच्छी तरह इसमें डाल देंगे और बॉयल आने तक हम अब इसका वेट करेंगे। यहाँ पे जी पानी को बॉयल आ गया था और अब जो हमने राइस साइड पे बॉयल करके रखे थे वो डाल दिए, और अब इसको अच्छी तरह पका लेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो दम दे देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसे दम पे रहने दें। और दम देने के बाद ये थी जी इसकी फाइनल लुक, और ये हमारे राइस रेडी हो गए थे और माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे, सबको इतने ज़्यादा अच्छे लगे हैं मेरी फैमिली में। और इसके अलावा मेरे चाचू के, मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह आए हुए थे, उन्होंने लिया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की कि इतने अच्छे बने हैं। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी और आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।